अलीगढ़ मंडल के हाथरस जिले में अजान पर पाबंदी को लेकर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने जिला अधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्ष्यकार से टेलीफोन पर जानकारी ली थी और उन्होंने पूछा कि क्या आपके जिले हाथरस में अजान पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर जिला अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पाबंदी सरकार के निर्देश अनुसार लगाई है। उसके बाद पूर्व विधायक ने कमिश्नर गौरीशंकर प्रियदर्शनी को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया, जिसके बाद आज पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने मुलाकात की और अजान पर लगाई गई पाबंदी को संज्ञान में लेकर तत्काल अजान से पाबंदी हटाने का आह्वान किया और लोगों को रमजान महीने में अजान न होने की दिक्कतों के बारे में बताया और ज्ञापन भी दिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया और न ही जिला अधिकारी हाथरस व कमिश्नर ने अजान बहाल करने के आदेश जारी किए और न ही पुलिस कर्मी जिन्होंने अजान पर पाबंदी सरकारी अनुमति कहकर लगाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। आज 30 अप्रैल 2020 को अलीगढ़ मंडल के DIG डॉक्टर पतिंदर सिंह से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने एक ज्ञापन देकर मुलाकात की और हाथरस में अजान पाबंदी को लेकर पूरी घटना से अवगत कराया और रमजान में अजान न होने की वजह से लोगों में हो रही परेशानियों को उनके सामने रखा। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान का कहना है कि सरकार का कोई भी दिशा निर्देश अजान बंदी का नहीं है और उसका खंडन भी सरकार ने एवं सरकार के मंत्रियों ने कर दिया है। ऐसे में सरकार विरोधी कार्य कर रहे जिला अधिकारी हाथरस से धार्मिक माहौल बिगड़ने की संभावना बढ़ रही है, उस पर तत्काल अजान पाबंदी को हटाया जाए ताकि लोग रोजाना की तरह लॉकडाउन में अजान सुनकर अपने घरों में नमाज पढ़ें। मोदी जी ने स्वयं मन की बात में कहा कि रमजान महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें और दुआएं मांगें, जिससे कोरोना वायरस से पहले देश व दुनिया से खत्म हो जाए। ऐसे में कुछ अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे संपूर्ण देश में गलत संदेश जाता है और सरकार की बदनामी होती है। पूर्व विधायक ने कहा कि DIG साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस गंभीर मसले को वह खुद देखेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए अजान बहाल कराएंगे। हमने DIG साहब से मुलाकात की है, हाथरस में जो अजान पर पाबंदी लगाई है जिला अधिकारी ने, वहाँ के जिला अधिकारी ने, हाथरस के जिला अधिकारी ने, हम उसी को लेकर आज DIG साहब से मिले। आज से 3 रोज पहले हम मिले थे कमिश्नर साहब से, लेकिन हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है। यह है मेरे पास, सरकार ने यह कहा है कोई हमने अजान पर पाबंदी नहीं लगाई है। ये धारा 144 का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर भी कोई अजान पर पाबंदी नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस का पूरा हवाला है, इन्होंने इस पर सरकार ने मना करा कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन जिला अधिकारी हाथरस जबरदस्ती इस बात पर अड़ हुए हैं कि हम अजान नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। तो हम ये कहना चाहते हैं जिला अधिकारी साहब से कि आपको परेशानी क्या है, अगर आप अच्छे कामों में अपनी ताकत लगाएं तो अच्छी बात है। ये गरीब अजान से परेशानी क्या आखिर जिला अधिकारी को? अरे अजान तो एक इंडिकेशन है कि अब रोज़ा रख लो और अब रोज़ा खोल लो। सुबह अजान होती है फजर की, उसमें ये इंडिकेशन होता है कि अब रोज़ा रखने का टाइम ख़त्म हो गया, अब आप कुछ नहीं खा सकते। शाम को जो अफ्तार का टाइम होता है उसका इंडिकेशन दिया जाता है अजान से। तो अजान से मतलब क्या है, उनकी परेशानी क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही। इनकी जांच होनी चाहिए, आखिर इन 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 लोगों के पीछे कौन है। ऐसे हमारे अलीगढ़ में हो रही है अजान, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है अजान, पूरे भारत के अंदर हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं अपने बयान में, उन्होंने कहा अपने मन की बात में, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि ये कोरोना जो वायरस है ये हमारे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हट जाए इससे पहले पहले। ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की भी बात को नकार रहे हैं हमारे DM साहब हाथरस। तो ऐसे मजबूर ना करें, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं इस मैटर में बात करूंगा, ऊपर भी बात करूंगा और इस पर देखता हूं और आपको लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करूंगा। अभी जैसा कि हाथरस जिले में अजान पर पाबंदी लगा रखी है, उसी सिलसिले में DIG साहब से हम मिलने आए थे। आज से 2 दिन पहले हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे, उनसे भी गुहार लगाई हमने, निवेदन किया, गुजारिश की कि अजान पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पाबंदी लगा रखी है उसको हटाई जाए, और हमने उनसे ये निवेदन किया था। उसके बाद हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज हम जो है DIG ऑफिस आए, DIG साहब से मुलाकात की और साथ में पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान साहब भी आए थे। तो हम दोनों इस सिलसिले में मुलाकात की, बात की उनसे, तो उनसे कहा हमने कि ये जो अजान पर पाबंदी लगा रखी